स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। मैं यशस्वी, आज मैं राजस्थान न्यायिक सेवा के 89 सीट्स पे जो लेटेस्ट राजस्थान हाईकोर्ट ने जो वैकेंसी और जो नोटिफिकेशन लाया है उस पे मैं डिस्कस करूँगा। और इस पे मैं ये भी बताऊँगा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो मेरा प्रीलिम्स से रिलेटेड है। बाद में मैं मेंस को टारगेट करते हुए मेन सिलेबस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्रीलिम्स का सिलेबस दो पार्ट में है, लॉ पेपर वन एंड लॉ पेपर टू। लॉ पेपर वन में दो पार्ट है, सिविल एंड क्रिमिनल, और लॉ पेपर टू में हिंदी और इंग्लिश से पूछा जाता है। लॉ पेपर वन आपको 70% वेटेज रखता है और लॉ पेपर टू 30% का वेटेज रहता है, यानी आपको 50-50 मार्क्स का ये रहेगा। ठीक है, और लॉ पेपर वन आपको 100 मार्क्स का रहेगा। और जहाँ तक टाइम का बात है तो 3 घंटा दिया जाएगा आपको लॉ पेपर वन में, और आपको 2-2 घंटे दिए जाएंगे लॉ पेपर टू के लिए। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है, आपका 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सबसे अच्छी बात है, ये बदलाव आया है। पहले 2011 के सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग था 1/3 ऑफ ईच क्वेश्चन। उस समय 120 क्वेश्चन भी पूछा जाता था, 120 मार्क्स का हुआ था करता था, लेकिन अब ये 100 मार्क्स का हो गया है। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस दो पार्ट में है, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल में आपको कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जो कि लोकल एक्ट है, और क्रिमिनल में IPC, एविडेंस, CRPC, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोबेशन एंड ऑफेंसेस एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दोस्तों इस दोनों में आपको एविडेंस कॉमन है, पढ़ना एक बार है, नंबर दोनों बार मिलेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम आपको 7-8 क्वेश्चन आपका आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कम आता है राजस्थान जुडिशरी में, 5-6 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पे आप लोग फोकस करेंगे, और प्रोबेशन एंड ऑफेंसेस एक्ट पे, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे, कॉन्ट्रैक्ट से पूछा जाता है, इंटरप्रिटेशन से पूछा जाता है, CPC एंड CRPC भी रेलेवेंट है, और IPC भी। ठीक है, तो दो पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एविडेंस, लेकिन मेंस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। 70 वेटेज रखता है, 70% के अबव। ठीक है, मेंस का सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच।